अगर तुम एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो और तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव हो तो तुम वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एंड अपलोडिंग पे मेरी तरह घंटों लगाते होगे। बट इस वीडियो में बताए गए 7 प्रोडक्टिव AI टूल्स को मेरी तरह तुम भी अपने वर्कफ्लो में ऐड करके आज का काम मिनट्स एंड इवन सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हो। 5th और 7th टूल्स की यूट्यूबर के लिए बोनस है पर मैं पर्सनली इन्हें बहुत यूज करता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट। तो अपने थंबनेल डिजाइनिंग में बैकग्राउंड रिमूवर, PNG क्रिएटर और बहुत सी डिफरेंट एप्स यूज करते होंगे। बट imagecandy.com वेबसाइट के यूज से तुम ये सब काम सिंगल क्लिक पे एक ही वेबसाइट से कर सकते हो। इस वेबसाइट पे तुम्हें इमेज कन्वर्टर, रीसाइज इमेज, बैकग्राउंड रिमूवर एंड मल्टीपल टूल्स बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तुम्हें सिंपली रिमूव बैकग्राउंड टूल सेलेक्ट करके अपनी डिजायर्ड पिक अपलोड करनी है और ये तुम्हें बैकग्राउंड फ्री में रिमूव करके दे देगी। अब इस रिमूव बैकग्राउंड इमेज को एक अच्छे थंबनेल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए नेक्स्ट AI टूल की तरफ चलते हैं। Adobe Firefly। Google पे तुम्हें Adobe Firefly सर्च करके इस वेबसाइट पे आ जाना है और Adobe अकाउंट से या फिर सिंपली Gmail से साइन अप कर लेना है। इस वेबसाइट पे तुम्हें मल्टीपल AI फीचर्स मिलते हैं बट जनरेटिव फिल सबसे अमेजिंग है। इसे तुम अपनी इमेज में सिलेक्टेड एरिया पे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देकर AI की हेल्प से कुछ भी जनरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस बैकग्राउंड रिमूव इमेज को मैं यहाँ अपलोड करके एक ही क्लिक पे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देकर थंबनेल जनरेट करवा सकता हूँ। यानी मुझे हॉरर गेम प्ले वीडियो का थंबनेल बनाना है तो मैं सिलेक्ट बैकग्राउंड करके हॉरर घोस्ट बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। ये मुझे 4 रिजल्ट्स दे देगा और जो रिजल्ट मुझे पसंद है इसे मैं अपनी मर्जी से डाउनलोड कर लूंगा। नेक्स्ट AI टूल इन आवर लिस्ट इज vidIQ। वैसे तो ये टूल बहुत टाइम से मार्केट में है बट इसके कुछ न्यू AI फीचर्स काफी अमेजिंग हैं जो कि मैं इस वीडियो में तुमसे शेयर करने वाला हूँ। अपने PC में ब्राउजर में तुम्हें vidIQ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है और यूट्यूब चैनल के Gmail से vidIQ में लॉग इन कर लेना है। और इसके और बहुत से अमेजिंग फीचर्स के साथ साथ जब भी तुम न्यू वीडियो अपलोड करने लगोगे तो vidIQ का AI फीचर तुम्हें वीडियो के लिए बेस्ट सुटेबल बेस्ट पॉसिबल टाइटल जनरेट कर देगा। इसके अलावा vidIQ तुम्हारी वीडियो का लाइव SEO स्कोर भी स्क्रीन के साइड पर तुम्हें डिस्प्ले कर देगा जिससे तुम्हारी वीडियो रैंकिंग में काफी हेल्प होगी। क्योंकि बाकी बहुत से अमेजिंग फीचर्स अगर तुम जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम YouTube पे कोई भी स्पेसिफिक वीडियो सर्च करके कंप्लीट देख सकते हो। YouTube वीडियो अपलोड करने के दौरान तुम्हें टैग्स ऐड करने होते हैं जिनके लिए नेक्स्ट AI टूल तुम्हारी हेल्प कर देगा। अपनी वीडियो के लिए vidIQ से जनरेटेड टाइटल को कॉपी करके तुम्हें रैपिड टैग्स में पेस्ट कर देना है और ये वेबसाइट तुम्हारे वीडियो टाइटल से मैच करके बेस्ट पॉसिबल टैग्स जनरेट कर देगी। इन्हें तुम सिंपली कॉपी करके वीडियो के टैग सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। न्यू क्रिएटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑडियो होता है क्योंकि इनके पास ना तो अच्छा माइक है और ना ही एक साउंड प्रूफ स्टूडियो। बट मेरी नेक्स्ट AI टूल की हेल्प से तुम ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। गूगल पे तुम्हें podcast.adobe.com सर्च करना है और वेबसाइट पे तुम्हें गूगल, फेसबुक या ईमेल से अकाउंट साइन अप कर लेना है। फाइल चूज को प्रेस करके डिजायर्ड ऑडियो फाइल को अपलोड कर देना है और प्रोसेसिंग के बाद तुम्हारी स्टूडियो वॉइस कहीं भी यूज करने के लिए रेडी हो जाएगी और ये फ्री ऑफ नॉइस एंड प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई वॉइस से भी ज्यादा क्रिस्प होगी। एज एन एग्जांपल तुम्हें बताता चलूं कि इस वीडियो के लिए कंप्लीट ऑडियो इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए क्रिस्प एंड एनहांस की गई है। वीडियो अपलोडिंग के दौरान तुम्हें टाइटल और टैग्स के अलावा वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी होती है जिसके लिए हम नेक्स्ट AI टूल यानी ChatGPT को यूज करने वाले हैं। इसका नाम तुम सबने सुना होगा बट इसे यूज करके वीडियो के लिए SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करनी है ये मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। ब्राउजर में तुम्हें chat.openai.com सर्च करके OpenAI की वेबसाइट पर अकाउंट साइन अप कर लेना है और ये सेम प्रॉम्प्ट जो तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसे ChatGPT में पेस्ट कर देना है। इस प्रॉम्प्ट को तुम मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इजीली कॉपी कर सकते हो और वीडियो टाइटल की जगह तुम अपनी वीडियो का टाइटल और टैग्स की जगह अपनी वीडियो के टैग्स पेस्ट करके अपनी वीडियो के लिए एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा सकते हो। अब ये जनरेटेड डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके तुम्हें अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर देना है एंड इट्स ऑल डन। ग्रेविटी राइट इज एन AI बेस्ड वेबसाइट। इस वेबसाइट पर लिटरली यूट्यूबर्स के लिए A to Z हर चीज अवेलेबल है। वेबसाइट पे तुम्हें अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है और लेफ्ट साइड पे तुम्हें अनलिमिटेड फ्री AI टूल्स मिल जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे तुम्हें यूट्यूब टूल्स मिल जाएंगे। इन टूल से तुम वीडियो आइडियाज, टाइटल एंड थंबनेल आइडियाज, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन, वीडियो में टाइम स्टैम्प्स और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, YT IDEA एंड कॉन्टेंट प्लानर ओपन करके अपने चैनल की नीच टाइप कर देनी है जो कि ट्रैवल, कुकिंग या कुछ भी हो सकती है। मेरे केस में यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर
न्यू क्रिएटर्स है आफ्टर टाइपिंग योर चैनल्स नीड प्रेस क्रिएट कंटेंट और ये तुम्हें 10 वीडियो आइडियाज अलोंग विद की पॉइंट्स जनरेट कर देगा और ये सब टॉपिक्स पे तुम वन बाय वन वीडियोस जनरेट कर सकते हो और तुम्हारे पास कंटेंट की कभी कमी नहीं होने वाली। अगर तुम थंबनेल का थॉट प्रोसेस नहीं जानते और थंबनेल डिजाइनिंग के प्रोसेस को समझना चाहते हो तो इस टॉपिक पे मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में। बाय।